वैसे अभी OnePlus की तो सिर्फ ये खबरें निकल के आ रही हैं कि OnePlus जो है वो Oppo से मर्ज हो रहा है और Oppo का एक सब ब्रांड बनने वाला है। लेकिन दोस्तों OnePlus से एक अच्छी खबर निकल के ये आ रही है कि OnePlus का Nord 2 जुलाई में लॉन्च होने वाला है, और अभी तक ये सिर्फ रूमर्स पे चल रहा था और मैंने इन रूमर्स को लेकर के एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन फाइनली एक फैक्ट निकल के आया है, एक बहुत ही सॉलिड लीक निकल के आया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो OnePlus का Nord 2 होगा उसमें पहली बार MediaTek का प्रोसेसर होगा, जो कि होगा Dimensity 1200। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके OnePlus Nord 2 5G के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो Geek Shub चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी भी टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगी वीडियो में लाइक करिएगा, चैनल के अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ OnePlus Nord 2 5G के बारे में क्या चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। OnePlus Nord 2 5G के बारे में अगर बताया जाए तो इसकी सिर्फ दो चीज़ें अभी कन्फर्म हुई हैं, कोई लीक्स खासा स्ट्रॉन्ग लीक्स नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप OnePlus Nord 2 का वेट कर रहे हो तो, क्योंकि आपको ये जानकारी मिलनी चाहिए क्योंकि आप अपना बहुत ही मेहनत का पैसा लगाने वाले हो। OnePlus Nord 2 की अगर बात की जाए तो Dimensity 1200 प्रोसेसर जो है वो लिस्ट में लीक हो गया है, और पहली बार OnePlus अपने स्मार्टफोन में MediaTek का प्रोसेसर देगा जो कि एक 5G प्रोसेसर है Dimensity 1200। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 30,000 के अंडर में, यानी 25 से 30,000 के अंडर में रहने वाला है। ये मैं श्योरिटी से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि OnePlus Nord को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो उस प्राइस रेंज में OnePlus Nord CE ही है सिर्फ, और OnePlus का कोई भी स्मार्टफोन नहीं है। तो OnePlus चाहेगा कि जैसे Nord एक अच्छा और सक्सेसफुल स्मार्टफोन था OnePlus का, वैसे ही OnePlus Nord 2 भी हो उस रेंज में। तो दो चीज़ें तो मेरे को कन्फर्म है। उसके बाद अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलेगी, पंच होल कैमरा आपको इसके देखने को मिलेगा डुअल फ्रंट कैमरा के साथ, डुअल कैमरा सिंगल नहीं। पीछे की साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जैसा कि आपको OnePlus Nord में मिला था, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप। जो डिस्प्ले होगी वो एमोलेड डिस्प्ले होगी 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ अगर लाएं तो बहुत बेहतर है, लेकिन 90 हर्ट्ज़ टिप है कि 90 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा उसमें। अगर बैटरी की बात करें तो पहले जो Nord था उसमें 4100 mAh की बैटरी थी, लेकिन इसके अंदर आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है। चार्जिंग कैपेसिटी में दो चीज़ों का आ रहा है लीक, पहला आ रहा है 30W की चार्जिंग होगी जो पिछली बार मिली थी, जो दूसरी लीक आ रही है वो आ रही है 65W की चार्जिंग। तो देखते हैं ये क्या लेके आता है। अगर 65W की चार्जिंग और 30,000 के अंडर में इन स्पेसिफिकेशन के साथ OnePlus Nord ले आता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग स्मार्टफोन। क्योंकि OnePlus Nord का जो पिछली बार कैमरा था वो काफ़ी अच्छा था, अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट सॉफ्टवेयर ट्वीक्स लेके आते हैं ये तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी चीज़, फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा था व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, अगर उसमें भी अगर ये थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स लेके आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। Dimensity 1200 का जो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा 5G प्रोसेसर है, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है। 90 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले 30,000 के प्राइस रेंज में इज़ क्वाइट डिसेंट, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है OnePlus Nord CE से जो डिसअपॉइंटमेंट OnePlus ने दी है OnePlus Nord 2 में, उस डिसअपॉइंटमेंट को वो ब्रेक करके हो सकता है 120 हर्ट्ज़ का OnePlus Nord 2 में डिस्प्ले दे दें, और OnePlus Nord 2 5G जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है उस रेंज में। दोस्तों ये था वीडियो जानकारी देने के लिए, आपको एक बड़ा अपडेट देने के लिए आपको OnePlus Nord 2 के बारे में, जो कि कन्फर्म हो गया, और अगर आप वेट कर रहे हो तो जुलाई में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, और मैं भी इसको बाय करके आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन बाय करने लायक है या नहीं है। 30,000 रुपीज़ के अंडर में आने वाला है। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं OnePlus Nord 2 5G से, क्या लाना चाहिए OnePlus Nord 2 5G में जो कि आप 30,000 के रेंज के आसपास खुश हो जाओगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।